हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे स्टेरिक नंबर 5 के साथ। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका स्टेरिक नंबर 5 आता है, वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ज्योमेट्रीज क्या होंगी, शेप्स क्या होंगी, ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टेरिक नंबर 5 मींस 5 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में। sp3d हाइब्रिडाइजेशन आएगी। अब डी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में और उसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्रीज चेंज होंगी। ठीक है, सो फर्स्ट केस क्या आ सकता है कि एस का एक ऑर्बिटल, पी के तीन ऑर्बिटल एंड डी का डी जेड स्क्वेयर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडाइजेशन में। पी के तीन मतलब px py pz ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं। सेकेंड केस में क्या होगा, एस ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल्स एंड डी का dx²-y² ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडाइजेशन में। अब यहाँ पे डी जेड स्क्वेयर ऑर्बिटल इन्वॉल्व है तो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री में डी जेड स्क्वेयर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है हाइब्रिडाइजेशन में। और अगर dx²-y² ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो तो हमारे पास ज्योमेट्री आएगी स्क्वेयर पिरामिडल। स्क्वेयर पिरामिडल ज्योमेट्री में dx²-y² ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, ये बात आपको याद रखनी है। अब हम ज्योमेट्रीज ड्रॉ करके देख लेते हैं। सो यहाँ पे ये कुछ ऐसा होगा, ट्राइगोनल बायपिरामिडल और स्क्वेयर पिरामिडल कुछ ऐसी आएगी। ये आपके पास सेंट्रल एटम है और ये आपके पास साइड एटम्स है। अब हम स्टार्ट करेंगे ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री के साथ। ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री में टोटल 5 बॉन्ड्स होंगे और यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉन्ड हो सकते हैं। एक्सियल बॉन्ड होंगे और इक्वेटोरियल बॉन्ड होंगे। ये जो बॉन्ड्स हैं इनको, ये जो लीनियर बॉन्ड मिल रहे हैं हमें, इनको हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स, और ये वाले जो बॉन्ड्स हैं इनको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। अब ये एक्सियल बॉन्ड्स कौन से ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से फॉर्म हुए हैं और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कौन से ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से फॉर्म हुए हैं, ये हम चेक करेंगे। सो हाइब्रिडाइजेशन क्या आई, sp3dz² होगी ट्राइगोनल बायपिरामिडल में। अब इनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे ओवरलैप हो रही है sp2 ऑर्बिटल्स की एंड यहाँ पे ओवरलैप हो रही है pndz² ऑर्बिटल्स की। sp2 ऑर्बिटल्स की ओवरलैप होगी तो हमें यहाँ पे ट्राइगोनल ज्योमेट्री मिल जाएगी, ठीक है, एंड pz² ऑर्बिटल की ओवरलैप होने से हमें लीनियर ज्योमेट्री मिलती है। बेसिकली क्या होगा, p का ऑर्बिटल एंड dz² ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में और हमें एक हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ कि जनरली यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि why एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल। मैंने क्या बोला कि एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर होंगे। अब एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर क्यों होंगे, बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद इंटरव्यूज दोगे और इंटरव्यूज़ में बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। यहाँ पे ये एक्सियल बॉन्ड्स हैं, जो एक्सियल बॉन्ड्स कौन से ओवरलैपिंग से फॉर्म हुए हैं, pdz² ओवरलैपिंग से। pdz² ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी s करेक्टर नहीं है, s ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है ओवरलैपिंग में, सो परसेंटेज s करेक्टर जो आता है यहाँ पे 0 होगा। और अगर हम इक्वेटोरियल बॉन्ड्स की बात करें, सो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कैसे फॉर्म हुए हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन से फॉर्म हुए हैं, दैट मीन्स यहाँ पे परसेंटेज s करेक्टर होगा। और हमें पता है कि जो परसेंटेज s करेक्टर है और बॉन्ड लेंथ का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है, ये इनवर्स मींस जितना ज़्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होगा उतनी ही बॉन्ड लेंथ कम होगी, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर 0% है, दैट मींस जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं
एक्सियल बॉन्ड्स हैं वो लॉन्गर होंगे. बॉन्ड्स क्या होंगे? लॉन्गर होंगे क्योंकि इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में कुछ परसेंट आ रहा है एस करेक्टर. सो परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है. जो एस ऑर्बिटल्स हैं वो न्यूक्लियस के क्लोज होते हैं, परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज हो रहा है मीन्स न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो होगी वो डिक्रीज होगी. सो इसीलिए इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ कम होती है और एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेंट रूल के बारे में. बेंट रूल को हम साइट सिलेक्शन रूल भी बोलते हैं, ठीक है. अब जनरली ये रूल देखो, एक तो ये ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री पे ही रूल एप्लीकेबल होगा, और ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री में भी जो नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं, क्या है, किन पे एप्लीकेबल होता है ये? टी बी पी ज्योमेट्री पे एप्लीकेबल होता है. और कौन से? जो नॉन सिमेट्रिकल होंगे. नॉन सिमेट्रिकल मैं एग्जांपल लेके आपको बताऊंगी. सिमेट्रिकल अब जैसे पी सी एल थ्री एफ टू आ जाता है. यहाँ पे देखो, अब साइड एटम्स डिफरेंट डिफरेंट है, दैट मीन्स ये नॉन सिमेट्रिकल है, या फिर पी सी एल टू एफ थ्री आ जाएगा, या फिर एस एफ फोर आ जाएगा, या फिर यहाँ पे इसको नॉन सिमेट्रिकल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा. एस ई एफ फोर आ सकता है, या फिर सी एल एफ थ्री आ सकता है. इन सब मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री जो होगी वो ट्राइगोनल बायपिरामिडल ही होगी, बट नॉन सिमेट्रिकल होगी. नॉन सिमेट्रिकल मीन्स या तो डिफरेंट डिफरेंट एटम हो सकते हैं, या फिर लोन पेयर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है. अब ये रूल क्या बताता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे, ये रूल क्या बताता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो होंगे या एटम्स जो होंगे वो हमेशा ऑक्यूपाई करेंगे एक्सियल पोजीशन, या फिर प्रेफर करते हैं एक्सियल पोजीशन. एक्सियल पोजीशन जनरली आपको देखो यही बताया जाता है. बेंट रूल क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, लोन पेयर जो होंगे वो इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे. बट यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्यूपाइज एक्सियल पोजीशन, क्यों होता है ये? देखो ये अब परसेंटेज एस करेक्टर पे हमने देखना है. देखो यहाँ पे जो है ये कौन से ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई है? ये एक्सियल बॉन्ड्स है. पी डी जेड स्क्वेयर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हुई है. पी डी जेड स्क्वेयर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड फॉर्म हुए हैं, दैट मीन्स परसेंटेज एस करेक्टर जो है वो ज़ीरो होगा. परसेंटेज एस करेक्टर ज़ीरो है, और हमें पता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो परसेंटेज एस हेटर होते हैं. ये हमने पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में. जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे वो परसेंटेज एस हेटर होंगे, ठीक है. अब यहाँ पे तो इनको एस परसेंटेज एस करेक्टर ज़ीरो मिल रहा है, दैट मीन्स ये इजिली ऑक्यूपाई कर सकते हैं एक्सियल पोजीशन, और लोन पेयर जो होते हैं वो परसेंटेज एस लवर होते हैं. सो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में परसेंटेज एस करेक्टर होता है, तो इसीलिए वो इक्वेटोरियल बॉन्ड ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है. सो ये रीज़न है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट परसेंटेज एस हेटर होते हैं, और एक्सियल बॉन्ड्स में परसेंटेज एस करेक्टर ज़ीरो होता है. सो इसीलिए वो एक्सियल पोजीशंस ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है. अब नेक्स्ट आपको एक कॉन्सेप्ट आता है एपिकोफिलिसिटी का. एपिकोफिलिसिटी, ठीक है. अब देखो ये मैं इसीलिए बता रही हूँ कि जनरली आपसे पूछा जाएगा कि मोर एपिकोफाइल कौन है, ठीक है, या फिर एपिकोफाइल ऑर्डर बताओ. सो आपको पता तो होना चाहिए कि एपिकोफिलिसिटी होती क्या है. सो एपिकोफिलिसिटी देखो, ये ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री में इट इज़ अ टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई द एक्सियल पोजीशन
बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ठीक है, एक पिकोफिलिसिटी क्या है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो क्या करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे एक्सियल पोजिशन. कहाँ पे? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री में. सो इसी को हम क्या बोलते हैं, एपिकोफिलिसिटी बोलते हैं. और जो एलिमेंट ऑक्यूपाई करेंगे एक्सियल पोजिशन उनको हम क्या बोलेंगे, एपिकोफाइल्स बोलेंगे. अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एपिकोफाइल ऑर्डर, फाइल ऑर्डर. आपके पास दिए होंगे कोई एटम्स या एलिमेंट्स, फ्लोरीन दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है, क्लोरीन दिया हुआ है, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ठीक है, सो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज़्यादा एपिकोफाइल होगा. ठीक है, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर आ जाएगा फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन आपके पास क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन. ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर है बट ये इनकरेक्ट ऑर्डर है. क्यों इनकरेक्ट ऑर्डर है? क्योंकि ऑक्सीजन एक डायवेलेंट स्पीसीज है और डायवेलेंट स्पीसीज एपिकोफाइल की तरह एक्ट नहीं कर पाएंगे. सो जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो आएगा फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन और उसके बाद लास्ट में जाएगा ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन लास्ट में क्यों गया? क्योंकि ये डायवेलेंट स्पीसीज है. ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड. देखो, हमारे पास अगर PCH3 का थ्राइस है एंड CF3 का ट्वाइस है, सो देखो यहाँ पे कौन सा ग्रुप कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा ये देखना है. सो फॉस्फोरस सेंट्रल एटम आ गया, एक्सियल बॉन्ड्स आ गए एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आ गए. अब हमें पता है जो एक्सियल पोजीशन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जो ग्रुप होगा वो ऑक्यूपाई करेगा. सो यहाँ पे आ जाएगा CF3, यहाँ पे आ जाएगा CF3 और यहाँ पे मिथाइल मिथाइल लग जाएंगे CH3 एंड CH3. ठीक है, नेक्स्ट हम वैसे ही देखो अगर हम बात करें और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है. PCl5 है एंड PCl4F है. तो सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. ये तो सिमेट्रिकल है, सो क्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन आ गया. अब यहाँ पे देखो ये अनसिमेट्रिकल है, दैट मींस सबसे पहले आपको देखना है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है. फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो एक्सियल पोजीशन लेगा, हमने एक्सियल पोजीशन पे रख दिया फ्लोरीन. अब यहाँ पे क्लोरीन आ गया, देन क्लोरीन, बाकी तो हम क्लोरीन क्लोरीन वैसे रख सकते हैं. अब यहाँ से आपको क्या पूछी जा सकती है कि ये ए है और ये बी है. एक बार क्या पूछा जाएगा कि बॉन्ड लेंथ ए ज़्यादा होगी या बी ज़्यादा होगी. ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये एक्सियल बॉन्ड है और ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है, तो हमें पता है जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा होगी. सो ए ज़्यादा होगा बी से, ए लॉन्गर होगा बी से. ठीक है, और अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास कोई PCl3F2. सो यहाँ पे भी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है. सो देखो सबसे पहले क्या होगा, Cl3 हम यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा और यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा. ठीक है, एक्सिल पोजीशन पे
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गए। अब देखो ये हमारे पास ए दिया हुआ है और ये बी दिया हुआ है। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि ए बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी या बी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं हम कि ए ज़्यादा होनी चाहिए बी से, क्योंकि एक्सियल बॉन्ड्स जो होते हैं वो लॉन्गर होते हैं, बट ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि जो सी एल का रेडियस है, रेडियस वो ज़्यादा होता है फ्लोरीन एटम के रेडियस से, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड जो एक्सियल बॉन्ड्स और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स डोमिनेट नहीं करते हैं, यहाँ पे रेडियस डोमिनेट करता है। जो क्लोरीन है उसका रेडियस ज़्यादा होता है, यहाँ पे क्लोरीन का रेडियस ज़्यादा होगा फ्लोरीन से, जिसकी वजह से जो बी बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा आ जाएगी ए से, ठीक है। सो ऐसे कुछ थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे हमने एक्सियल और इक्विटोरियल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाया है, यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? रेडियस वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें एक्सियल बॉन्ड और इक्विटोरियल बॉन्ड में क्या रिलेशन है यही बताना है। अगर हम जनरली क्या बोलते हैं कि एक्सियल बॉन्ड्स जो होते हैं वो लॉन्गर होते हैं देन इक्विटोरियल बॉन्ड्स, बट यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल PF5 है सो एक्सियल बॉन्ड्स और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स इनकी लेंथ इक्वल होगी। क्यों इक्वल होती है? क्योंकि यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे PF5 मॉलिक्यूल का फ्लक्सोनियल बिहेवियर होता है। फ्लक्सोनियल बिहेवियर का क्या मतलब है कि एक्सियल बॉन्ड्स और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स इंटरचेंज होते रहते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं मीन्स डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, दैट्स वाई एक्सियल बॉन्ड्स और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ जो होगी वो इक्वल होगी। नेक्स्ट हमारे पास ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, यहाँ पे भी ज्योमेट्री TBP ही है, आप स्टेरिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। सो अगर हम यहाँ पे बताएं, देखो यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, सेंट्रल एटम सल्फर है और अगर यहाँ पे देखें सल्फर के पास कितने 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जनरली क्या आता है कि CF2 मॉलिक्यूल है एंड CH3 मॉलिक्यूल है। हम क्या करते हैं फ्लोरीन को देखते हैं, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बेंट रूल के अकॉर्डिंग एक्सियल पोजिशन ऑक्यूपाई करेगा या फिर एपिकल पोजिशन ऑक्यूपाई करेगा, बट आपको ये याद रखना है कि ये CH2 मॉलिक्यूल किसकी तरह है, CF2 मॉलिक्यूल किसकी तरह है, CH2 की तरह। CH2 दैट मीन्स ये एक बायवेलेंट स्पीसीज है, ये क्या है बायवेलेंट स्पीसीज, और बायवेलेंट स्पीसीज एपिकोफाइल की तरह एग्जिस्ट नहीं करते, दैट मीन्स वो एक्सियल या फिर एपिकल पोजिशन ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए ये जो होगा वो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, CF2 मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाएगा एंड बाकी के CH3 आ जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये देख के गलती नहीं करनी है कि फ्लोरीन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। सेम वे में हमारे पास सल्फर आ जाता है, अगेन सल्फर सेंट्रल एटम आ जाता है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन एक बायवेलेंट स्पीसीज है तो बायवेलेंट स्पीसीज होने की वजह से ये भी एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं करेगा, यहाँ पे F आ जाएगा एंड यहाँ पे फ्लोरीन आ गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब नेक्स्ट हमने शेप और ज्योमेट्री के बारे में देखना है, ठीक है। सो जनरली स्टीरिक नंबर 5, हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टीरिक नंबर इज इक्वल टू 5। अगर स्टीरिक नंबर 5 है दैट मींस 5 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में। सो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3d हाइब्रिडाइजेशन आएगी, ये हमने देख लिया है, ठीक है। सो हम यहाँ पे TVP ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, TVP ज्योमेट्री में क्या हो सकता है, स्टेरिक नंबर 5 और कैसे निकल सकता का फॉर्मूला एक और भी होता है, स्टेरिक नंबर निकालने का फॉर्मूला एक और भी होता है विच इज़ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, या फिर हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। बॉन्ड पेयर में हम सिग्मा बॉन्ड्स लेते हैं। सो यहाँ पे डिफरेंट केसेस आ सकते हैं। फर्स्ट केस में क्या हुआ कि 5 बॉन्ड पेयर हो और 0 लोन पेयर हो, 5 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, ये कुछ इस टाइप का मॉलिक्यूल होगा। 5 बॉन्ड पेयर मींस 5 सराउंडिंग एटम्स होंगे, ए भी 5 होगा, ठीक है। यहाँ पे ए के पास एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा। सेकेंड केस क्या हो सकता है कि
फोर बॉन्ड पेयर है एंड वन लोन पेयर है. फोर बॉन्ड पेयर और वन लोन पेयर का मतलब क्या है? बॉन्ड पेयर मीन्स सराउंडिंग एटम्स अब हमारे पास फोर होंगे, बट जो सेंट्रल एटम है उसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा. थ्री बॉन्ड पेयर मीन्स सराउंडिंग एटम्स अब हमारे पास कितने आगे? तीन आगे, बट जो सेंट्रल एटम है उसके पास टू लोन पेयर प्रेजेंट होंगे. टू बॉन्ड पेयर मतलब सराउंडिंग एटम जो होंगे वो टू होंगे, बट जो सेंट्रल एटम है उसके पास थ्री लोन पेयर प्रेजेंट होंगे. ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग हमने स्ट्रक्चर्स देख लिए. अब यहाँ पे क्या है, फोर बॉन्ड पेयर प्लस वन लोन पेयर. लोन पेयर हमें पता है, लोन पेयर परसेंटेज एस लवर होते हैं, दैट मीन्स वो इक्वेटोरियल पोजिशन ऑक्यूपाई करेंगे. सो यहाँ पे हम सबसे पहले इरेजर लेते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे. देखो यहाँ पे क्या है कि एक लोन पेयर होगा, चार बॉन्ड पेयर आगे एंड एक लोन पेयर होगा, यहाँ पे कोई सराउंडिंग एटम्स प्रेजेंट होंगे. नेक्स्ट हमारे पास आता है थ्री बॉन्ड पेयर हैं, तो ये बॉन्ड पेयर्स मीन्स थ्री सराउंडिंग एटम प्रेजेंट है और दो लोन पेयर होंगे. ठीक है, लोन पेयर यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजिशन पे ही आएंगे. अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टू बॉन्ड पेयर आगे, ये दो सराउंडिंग एटम्स आगे और तीन लोन पेयर होंगे. सो तीनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजिशन पे आ गए. ठीक है, अब हमने ज्योमेट्री और शेप के बारे में देखना है. देखो ज्योमेट्री तो सब में सेम ही रहेगी टीवीपी, क्योंकि ज्योमेट्री में लोन पेयर भी इंक्लूड होते हैं, बॉन्ड पेयर भी इंक्लूड होते हैं. ट्राइगोनल बायपिरामिडल ही रहेगी सब में, ट्राइगोनल बायपिरामिडल. ठीक है, अब हमने शेप के बारे में देखना है. सो शेप यहाँ पे चेंज होगी क्योंकि शेप में लोन पेयर इंक्लूड नहीं होते. सो यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे शेप और ज्योमेट्री दोनों ही सेम रहेंगी. कौन से केस में? फाइव बॉन्ड पेयर और जीरो लोन पेयर वाले केस में. अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको देख रहे हो एक लोन पेयर. सो लोन पेयर को भूल जाओ, आपको क्या देखना है, आपको इस यहाँ पे देखना है. ठीक है, अब यहाँ पे ये सीसो काइंड ऑफ शेप है. ठीक है, सो इसीलिए यहाँ पे ये क्या शेप आ गई, सीसो. नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो, इन लोन पेयर को भूल जाओ, अब यहाँ पे देखें सो ये क्या आ रही है, लग रही है आपको टी शेप लग रही है, तो इसीलिए इसको क्या लिख दिया, टी शेप. अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे लोन पेयर को भूल जाओ, आपको सिर्फ ये देखना है, ये दिख रहा है ये क्या है, लीनियर है. सो इसीलिए यहाँ पे शेप क्या आ जाएगी, लीनियर आ जाएगी. अब हम एग्जांपल्स देखते हैं. फर्स्ट केस का एग्जांपल देखेंगे, फाइव बॉन्ड पेयर चाहिए, जीरो लोन पेयर चाहिए. फाइव बॉन्ड मीन्स बॉन्ड पेयर का मतलब क्या है कि सिग्मा बॉन्ड्स फाइव होने चाहिए, और फाइव सिग्मा बॉन्ड्स बनाने के लिए सेंट्रल एटम के पास फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. स्टार्टिंग हम करेंगे फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ, उसके बाद सेंट्रल एटम के पास सेवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो. सो वहाँ पे कौन कौन से टाइप के एग्जांपल्स हो सकते हैं ये हम देखेंगे. फर्स्ट आ गया, ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए हमने फॉस्फोरस सेंट्रल एटम ले लिया जिसके पास फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. अब सिग्मा बॉन्ड्स मीन्स सराउंडिंग एटम्स कितने चाहिए, फाइव ही चाहिए. यहाँ पे फाइव बॉन्ड पेयर बन रहे हैं तो सराउंडिंग एटम हमें PF5 ले लिया मॉलिक्यूल. ठीक है, फ्लोरीन हमने सराउंडिंग एटम लिया है, यहाँ पे हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम नहीं एग्जिस्ट कर पाएगा. क्यों नहीं कर पाता है, PH5 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है. क्यों नहीं करता है, क्योंकि हमें सराउंडिंग एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहिए होता है. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग एटम ही होगा तभी फॉस्फोरस अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है. ठीक है, ये ऑक्टेट कहाँ पे एक्सपैंड होता है, कहाँ पे नहीं होता है, ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया हुआ है. सो आप वो देख लें पहले. नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा, हम कोई ऐसा सेंट्रल एटम ढूंढ लेते हैं जिसके पास सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो. सो हमने सल्फर ले लिया, अब हमें फाइव तो सिग्मा बॉन्ड्स चाहिए, सो हमने फाइव सिग्मा बॉन्ड्स ड्रॉ कर लिए. ठीक है, बट सल्फर के पास सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सो फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज हो गए. सिक्स कहाँ पे यूज होगा, सिक्स हम यूज़ कर सकते हैं पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में, और पाई बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है. ठीक है, सो यहाँ पे ये आ गया
मोनोवेलेंट, एफ 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 एंड एफ, ठीक है। और ये हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल आया, एस एफ फोर, एस ओ एफ फोर, ठीक है, ये मॉलिक्यूल आ गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल, जिसके पास सेवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। सो आयोडीन के पास सेवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, सो आप सबसे पहले क्या कर लो, सिग्मा बॉन्ड्स ड्रॉ कर लो, ठीक है। उसके यहाँ पे फाइव, आयोडीन के फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो यूज़ हो गए, सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ कर लिया, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन होगा और यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, ठीक है। सो एफ 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 आ गया, मीन्स ये क्या है, कोई आई एफ फोर ओ पॉजिटिव। हम नेक्स्ट एग्जांपल भी देख सकते हैं, जिसके पास एट वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सेंट्रल एटम के पास, यहाँ पे जीनोन एट वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो के, सो हमने यहाँ पे अगेन फाइव बॉन्ड पेयर बनाने हैं, सिग्मा बॉन्ड्स बनाने हैं, हमने फाइव सिग्मा बॉन्ड्स बना दिए। अब वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव जीनोन के यूज़ हो गए, बट यूज़ कितने करने हैं हमें, एट करने हैं, इसके पास एट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो बाकी के तीनों ने क्या किया, पाई बॉन्ड फॉर्म कर दिए। सो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, अब बायवेलेंट स्पीसीज है इसीलिए ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, कौन सा एक्सियल पोजीशन पे होगा और कौन सा इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा, ये बेंट रूल से आप देख सकते हो, ठीक है। सो ये हमने एग्जांपल देख लिए फाइव बॉन्ड पेयर प्लस जीरो लोन पेयर वाले केसेस के। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फोर बॉन्ड पेयर प्लस वन लोन पेयर। फोर बॉन्ड पेयर्स के लिए सेंट्रल एटम को फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए और दो लोन पेयर के लिए टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए, सॉरी वन लोन पेयर के लिए टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट एग्जांपल आ जाता है हमारे पास सल्फर, जिसके पास सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ए बी फोर है, मीन्स सराउंडिंग एटम्स कितने होंगे, फोर होंगे। सो आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख सकते हो, जो लोन पेयर है वो यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे सल्फर फ्लोरीन 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 शेप जो है वो सी शो आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, अब हम सेकंड एग्जांपल लेंगे, जिसके पास सेवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, सराउंडिंग एटम कितने चाहिए, मोनोवेलेंट हमें फोर ही चाहिए और इसके पास सेवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसमें आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख सकते हो, ये आयोडीन आ गया, हमें फोर बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड्स ड्रॉ करने हैं, ये हमने ड्रॉ कर लिए। फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन आ गया, एक लोन पेयर बनाना है वो हमने बना लिया, फ्लोरीन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब इसके सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो यूज़ हो गए, सो इसके पास आयोडीन के पास सेवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसीलिए हमने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका, जिसके पास एट वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, सो यहाँ पे जीनोन आ गया। अब जीनोन अगेन सिग्मा बॉन्ड्स हमें चार ही बनाने हैं, सो फोर सिग्मा बॉन्ड्स हमने बना लिए, एक हमने लोन पेयर बना लिया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यूज़ हो गए, ठीक है। बट हमें सेवन और एट दो और यूज़ करते हैं, सो हमने दो क्या कर दिए, पाई बॉन्ड्स बना दिए। ऑक्सीजन ऑक्सीजन फ्लोरीन फ्लोरीन आ गया, ठीक है। सो ये क्या एग्जांपल आ गया, एक्स ई ओ टू एफ टू, अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ पे होगा, बायवेलेंट स्पीसीज कहाँ पे होंगी, लोन पेयर कहाँ पे होगा, ये बेंट रूल आपको बताता है, लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो होंगे वो एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे और जो एपिकोफाइल होता है वो कभी भी बायवेलेंट नहीं होगा। नेक्स्ट अब हम हमें कौन सा चाहिए, ए बी थ्री टाइप मॉलिक्यूल चाहिए। अब लोन पेयर कितने हैं, यहाँ पे दो लोन पेयर चाहिए, बॉन्ड पेयर के लिए थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर के लिए फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल सेवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए सेंट्रल एटम के साथ पास। सो यहाँ पे देखो कोई ए एफ थ्री मॉलिक्यूल हो सकता है, बॉन्ड पेयर तीन है, सराउंडिंग एटम तीन होंगे, आयोडीन के पास सेवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कंडीशंस पूरी होगी। सेकंड क्या आया, कोई आई बी आर थ्री हो सकता है, आई सी एल थ्री हो सकता है,
ठीक है, हमें पता है कि जो सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए, या फिर हमारे पास Cl F3 हो सकता है, या फिर हमारे पास कोई BrCl3, BrI3, BrF3 हो सकता है, BrF3। बस आपको ये बात याद रखनी है सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए। फिफ्थ एग्जांपल अगर हम देखें, सो ज़ीनोन जिसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, अब यहाँ पे देखो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसलिए हमने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। नेक्स्ट हम एग्जांपल देख सकते हैं लीनियर शेप के, यहाँ पे कोई AB2 टाइप का मॉलिक्यूल चाहिए। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए सेंट्रल एटम के पास वो देख लेते हैं। 2+ लोन पेयर 3 है तो 6, सेंट्रल एटम के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए। हम फर्स्ट एग्जांपल क्या लेंगे, आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बट एक नेगेटिव चार्ज लगा सकते हैं हम। IF2 सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर यहाँ पे क्या हो सकता है ICl2 नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, IBr2 नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर I3 नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब I3 नेगेटिव मीन्स यहाँ पे I नेगेटिव होगा और I2 मॉलिक्यूल, ठीक है, यहाँ पे डाइपोल इंड्यूस्ड हो जाएंगे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ गए। अगर हमने देखना हो जिसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 8 का तो सीधा ही है, इसमें कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं लगाना पड़ेगा हमें। ज़ीनोन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 फ्लोरीन सराउंडिंग एटम्स आ गए। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री स्टीरिक नंबर 5 होगा, ठीक है। और अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन ही होती है, और डी में डी का x²-y² ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है हाइब्रिडाइजेशन में, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री का और TBP ज्योमेट्री का, TBP ज्योमेट्री के एग्जांपल्स हमें ज़्यादा मिलते हैं और स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री के एग्जांपल्स हमें कम मिलते हैं जनरली। ये ऐसा क्यों होता है ये हम देखेंगे जब टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बॉन्ड एंगल्स फाइंड आउट करेंगे, उससे पता चलता है, ठीक है। ये हमारे पास आगे TBP ज्योमेट्री, सराउंडिंग एटम्स आ गए, ठीक है, एक्सियल बॉन्ड्स और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है हमारे पास, ये एक्सियल बॉन्ड्स। अब हमने यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं टोटल नंबर ऑफ एंगल्स, टोटल नंबर ऑफ एंगल्स फाइंड आउट करने हैं दोनों ज्योमेट्री में, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ एंगल्स फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है NC2, वेयर N इज नंबर ऑफ साइड एटम्स या फिर नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स है। ये फॉर्मूला लगा के हम टोटल नंबर ऑफ एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। NC2, N मीन्स दोनों ज्योमेट्री में देखो अब जो सराउंडिंग एटम है वो 5 ही हैं, 5C2 आएगा, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं 5 into 4 डिवाइडेड बाई 1 into 2 होगा, ये कट जाएगा एंड यहाँ पे हमारे पास 10। टोटल नंबर ऑफ एंगल्स जो हैं दोनों ज्योमेट्री में 10 आने चाहिए। अब ये 10 कौन से एंगल्स हैं ये देखते हैं। देखो ये जो हैं ये हमारे पास एक्सियल बॉन्ड्स हैं, इसको हम ए मान लेते हैं, यहाँ पे बी मान लेते हैं। सबसे पहले टीबीपी में मींस कौन कौन से एंगल्स हैं ये देखेंगे। सबसे पहले तो 180 डिग्री का एंगल है ए बी के बीच में, और सेंट्रल एटम भी होगा यहाँ पे कोई, 180 डिग्री का एंगल है, और ये कितने एंगल है सिर्फ 1 ही होगा। उसके बाद अब ये ए जो है ए एक्सियल बॉन्ड्स 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। 90 डिग्री के एंगल 3 बनेंगे ए के साथ और 3 ही बनेंगे बी के साथ, दैट मीन्स यहाँ पे 6 आ गए 90 डिग्री के एंगल्स। और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं ये तीनों इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आपस में 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये आ गए 3, ठीक है, और इनको ऐड करते हैं तुम्हारे पास एंगल आ जाते हैं 10। अब हम यहाँ पे देखेंगे, देखो अब यहाँ पे ये आप इमेजिन कर सकते हो, एक बुक है, बुक के ऊपर पेंसिल रख लो, ठीक है। अब ये जो पेंसिल है मींस ये जो बॉन्ड होगा ये बॉन्ड इन चारों बॉन्ड्स के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा,
ठीक है। सो यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल्स फोर जो हैं ये इनकी वजह से बने, ये ऊपर है, ऊपर की तरफ है, ठीक है, आप देख सकते हो, इमेजिन करो। सो फोर ए की वजह से बने, और यहाँ पे ये जो चारों हैं ये बॉन्ड्स हैं ये भी आपस में 90 डिग्री का ही एंगल बना रहे हैं। सो 90 डिग्री के एट एंगल्स बनते हैं टोटल, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, सो 180 डिग्री के टू एंगल्स बनते हैं, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ एंगल्स कितने आ गए, 10 आ गए। अब यहाँ पे देखो टीबीपी ज्योमेट्री में 90 डिग्री के 6 एंगल्स बन रहे हैं, और यहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री में 90 डिग्री के 8 एंगल्स बन रहे हैं। मींस 90 डिग्री के ज़्यादा एंगल्स हैं। सो ज़्यादा एंगल होने की वजह से मोर स्टीरिक हिंड्रेंस होगी। अगर मोर स्टीरिक हिंड्रेंस होगी दैट मीन्स वो क्या होगी, लेस स्टेबल होगी। सो जर्नली अगर ज्योमेट्री की बात करी जाए तो मोर प्रेफरेबल जो है वो टीवीपी ज्योमेट्री होगी, ठीक है, लेस स्टेबल। अब हमने यहाँ पे देखना है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स टीवीपी ज्योमेट्री अटेन कर सकते हैं और कौन से मॉलिक्यूल स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री अटेन करेंगे। सो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री ऐसे मॉलिक्यूल्स अटेन करते हैं जहाँ पे सेंट्रल एटम का साइज और साइड एटम का साइज दोनों लार्ज हो, ठीक है। सो आपको ये देखना है कि अगर सेंट्रल एटम भी लार्ज है और साइड एटम्स भी लार्ज हैं, सो वहाँ पे जर्नली जो ज्योमेट्री होती है वो स्क्वायर पिरामिडल होती है। एग्जांपल लेके देखेंगे। सो अगर हम PCl5 का एग्जांपल ले, सो देखो यहाँ पे ये जो सेंट्रल एटम है इसका साइज स्मॉल है, तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री होगी वो TBP होगी, ठीक है। अगर हम PBr5 की बात करें, सो यहाँ पे भी फॉस्फोरस है, सेंट्रल एटम स्मॉल है, सो यहाँ पे भी ज्योमेट्री जो आएगी वो TBP ही आएगी। बट अगर हम बात करते हैं SbPh5 की, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम भी लार्ज है, ठीक है, और साइड वाला ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये भी लार्ज है। सो यहाँ पे जो ज्योमेट्री होगी वो स्क्वायर पिरामिडल होगी, ठीक है। यहाँ पे ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर पिरामिडल। हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हमारे पास आ गया InCl5 2 नेगेटिव। सो यहाँ पे भी अगर देखें, सो सेंट्रल एटम भी लार्ज है, साइड एटम्स भी लार्ज है, सो यहाँ पे भी ज्योमेट्री स्क्वायर पिरामिडल ही होगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर सेंट्रल एटम और साइड एटम लार्ज है तो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री क्यों अटेन हो रही है या फिर क्यों प्रेफरेबल है, ये हम देखेंगे। सो यहाँ पे देखो जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं टीवीपी में, ये जर्नली लॉन्गर होते हैं, ये हमने पढ़ा है। एक्सियल बॉन्ड्स जो होते हैं ये लॉन्गर होते हैं। अगर साइड एटम्स लार्ज होंगे और एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर होंगे तो जो बॉन्ड हैं वो और वीक हो जाएंगे, ठीक है। अगर बॉन्ड्स वीक हो जाएंगे, ये जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं ये वीक हो जाएंगे, और वीक होने की वजह से रूम टेम्परेचर पे ये मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं रहेगा। इसीलिए जहाँ पे साइड एटम्स और सेंट्रल एटम दोनों लार्ज हो वहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री अटेन होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है बेरिसिडो रोटेशन का। सो बेरिसिडो रोटेशन में जनरली क्या होता है कि एक्सियल बॉन्ड्स और इक्विटोरियल बॉन्ड्स आपस में इंटरचेंज होते रहेंगे, ठीक है। एक्सियल बॉन्ड्स एंड इक्विटोरियल बॉन्ड्स इंटरचेंज होंगे। सो हमने एक एग्जांपल किया था PF5 मॉलिक्यूल का। सो PF5 मॉलिक्यूल में हमने क्या बोला था कि एक्सियल और इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। क्यों इक्वल होती है, फ्लक्सोनियल बिहेवियर की वजह से। अब यहाँ पे सेंट्रल एटम भी स्मॉल है और साइड एटम भी छोटा है, स्मॉल है। सो वहाँ पे जो TBP ज्योमेट्री है और स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री है ये इक्विलिब्रियम में होती हैं, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में होती हैं, ठीक है। अब ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे, जर्नली इसका रीज़न क्या है, बेरिसिडो रोटेशन का रीज़न क्या है। जो हमारे पास अगर हम एनर्जी गैप की बात करें, सो TBP और स्क्वायर पिरामिडल का जो एनर्जी गैप है, अगर सेंट्रल एटम भी स्मॉल हो और साइड एटम भी स्मॉल हो तो यहाँ पे एनर्जी गैप ये बहुत कम होता है, डेल्टा एच लेस होता है। एट रूम टेम्परेचर पे किससे लेस होता है, ये थर्मल एनर्जी से लेस होता है,
ठीक है, थर्मल एनर्जी से लेस होता है रूम टेम्परेचर पे, जिसकी वजह से ये टीबीपी और स्क्वायर पिरामिडल डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होती हैं। ये जो ज्योमेट्रीज होती हैं ये इंटरचेंज होती रहती हैं, एक्सियल और इक्विटोरियल बॉन्ड्स जो हैं वो इंटरचेंज होते रहेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें सो ये इंटरचेंज कैसे होगी, सबसे पहले ये वाले जो बॉन्ड्स हैं ये अपनी पोजिशंस इंटरचेंज कर लेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले शेप जो होगी वो टीबीपी होगी, टीबीपी के बाद हमें शेप मिलती है स्क्वायर पिरामिडल। पिरामिडल मींस ये स्क्वायर पिरामिडल जो होता है वो इंटरमीडिएट होता है, देन अगेन टीबीपी आ जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बेरी सुडो रोटेशन में जो इंटरमीडिएट होता है उसमें कौन सा डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल है तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडाइजेशन में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेरी सुडो रोटेशन में जो इंटरमीडिएट है वो क्या है, स्क्वायर पिरामिडल है। अब अगर हम PCl5 मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे देखो ये जो एनर्जी गैप है PCl5 मॉलिक्यूल की TVP में और स्क्वायर पिरामिडल में ये बहुत ज़्यादा होता है। डेल्टा H यहाँ पे ज़्यादा है थर्मल एनर्जी से, ठीक है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे ज्योमेट्री होगी वो TVP होगी, ये इंटरचेंज नहीं हो पाएगी स्क्वायर पिरामिडल में। सो ये रीज़न आ गया बेरी सुडो रोटेशन का। अब बेरी सुडो रोटेशन को हम स्टॉप कैसे कर सकते हैं, हाउ टू स्टॉप बेरी सुडो रोटेशन। ठीक है, सो मैंने क्या बोला कि सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम स्मॉल चाहिए बेरी सुडो रोटेशन के लिए। सो अगर कोई बल्कियर ग्रुप आ जाएगा, बल्कियर ग्रुप आ जाएगा, सो वहाँ पे बेरी सुडो रोटेशन नहीं हो पाएगी। या फिर क्या करेंगे, हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे। अब टेम्परेचर डिक्रीज होने से क्या होगा, हमने यहाँ पे क्या बोला कि डेल्टा एच लेस देन है थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है। अगर टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे तो थर्मल एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। अगर थर्मल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी सो जिसकी वजह से ये अब टीबीपी स्क्वायर पिरामिडल में चेंज नहीं हो पाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सियल बॉन्ड और इक्विटोरियल बॉन्ड्स जो हैं वो इंटरचेंज नहीं हो पाएंगे। अब ये F19 NMR सिग्नल से हमें पता चला है, अगर हम रूम टेम्परेचर पे PF5 मॉलिक्यूल का F19 NMR देखते हैं तो हमें यहाँ पे सिंगल पीक मिलती है। सिंगल पीक क्यों मिल रही है, क्योंकि एक्सियल और इक्विटोरियल जो फ्लोरीन हैं बॉन्ड्स हैं उनमें कोई डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलती है, वन पीक मिलती है, सिंगल पीक मिलती है। बट हमने क्या किया, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया, और जैसे जैसे टेम्परेचर को डिक्रीज करने लगे वहाँ पर हमें थोड़ी थोड़ी जो है वो पीक्स बनती हुई नज़र आने लग पड़ी। और जैसे टेम्परेचर को और इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर को यहाँ पे हम -82 डिग्रीज पे ले आए, तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे कि, या फिर आपको ये भी बोला जा सकता है कि लो टेम्परेचर, अगर लो टेम्परेचर दिया हुआ है दैट मीन्स यहाँ पे अब आपको 2 पीक्स मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे 2 फ्लोरीन की वजह से पीक्स मिलेंगी, यहाँ पे क्या हुआ 2 पीक्स आ गई, मीन्स यहाँ पे अब बेरी सुडो रोटेशन नहीं हो रही है। यहाँ पे 2 पीक्स किसकी वजह से आ रहे हैं, एफ एक्सियल्स की वजह से आ रही है और एफ इक्विटोरियल की वजह से आ रही है। ठीक है, सो हम बेरी सुडो रोटेशन को कैसे स्टॉप कर सकते हैं, अगर कोई बल्कियर ग्रुप प्रेजेंट हो। अगर मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊं, सो PF5 में बेरी सुडो रोटेशन हो रही है, बट अगर PF3 CH2 आ जाता है तो यहाँ पे बेरी सुडो रोटेशन नहीं होगी, बल्कियर ग्रुप प्रेजेंट हो गया। और जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे सो टेम्परेचर को डिक्रीज करने से थर्मल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और जिसकी वजह से बेरी सुडो रोटेशन स्टॉप हो जाती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेरिक नंबर 6। स्टेरिक नंबर 6 मीन्स 6 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में। सो यहाँ पे हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी SP3D2।
ये हाइब्रिडाइजेशन है, और यहाँ पे डी के कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर एक्सियल ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड डी जेड स्क्वेयर ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से केसेस आ सकते हैं जिनसे स्टीरिक नंबर 6 मिले, स्टीरिक नंबर 6 मीन्स नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर आके, ये फॉर्मूला भी होता है स्टीरिक नंबर 6 का। सो फर्स्ट केस में क्या आएगा कि 6 बॉन्ड पेयर्स हैं और 0 लोन पेयर है, सेकेंड केस क्या आ सकता है 5 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, और थर्ड केस क्या आ सकता है हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर है एंड 2 लोन पेयर्स हैं, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ एंगल्स भी यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था टोटल नंबर ऑफ एंगल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, एन सी टू वाले फॉर्मूले से एन क्या है नंबर ऑफ साइड एटम होगा। अब हम यहाँ पे शेप और ज्योमेट्री की बात करेंगे, सो ज्योमेट्री जो है सबकी सेम ही रहेगी, यहाँ पे ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी, ठीक है, सब में ज्योमेट्री जो होगी वो ऑक्टाहेड्रल ही होगी। और अगर हम शेप की बात करते हैं सो यहाँ पे फर्स्ट केस में कोई भी लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री ऑक्टा सॉरी शेप ऑक्टाहेड्रल ही आई। सेकेंड केस में अगर हम यहाँ पे देखें सो ये किसकी तरह लग रही है, स्क्वेयर पिरामिडल की तरह लग रही है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास शेप क्या आ गई, स्क्वेयर पिरामिडल पिरामिडल। और अगर हम यहाँ पे देखें सो ये साइड एटम्स हैं, लोन पेयर इंक्लूड नहीं होंगे शेप में, सो यहाँ पे देखो ये स्क्वेयर प्लेनर की तरह लग रही है, सो यहाँ पे शेप आ गई आपके पास स्क्वेयर प्लेनर। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स देखेंगे, सो यहाँ पे देखो फर्स्ट केस लेते हैं 6 बॉन्ड पेयर मींस सेंट्रल एटम के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। सो ऐसा कोई सेंट्रल एटम ढूंढो जिसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास सल्फर आ गया एस। अब बॉन्ड पेयर 6 हैं दैट मीन्स सराउंडिंग एटम्स हमें 6 चाहिए, सो SF6 आ गया, ये एग्जांपल फर्स्ट। अगर हम बात कर रहे सेकेंड एग्जांपल की SCl6 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है ये देखना है, सो SCl6 एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा होता है और यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, यहाँ पे क्या होगी स्टीरिक हिंड्रेंस होने की वजह से लेस स्टेबल होगा और ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें SH6 क्या ये वाला मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, सो देखो यहाँ पे ऑक्टेट एक्सपैंड हो रहा है, अगर ऑक्टेट एक्सपैंड करने के लिए हमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए होता है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा नहीं है कि वो सल्फर के ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सके, इसलिए ये वाला मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें सो हमारे पास SeF6 मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और शेप देगा। अगर हम फोर्थ एग्जाम्पल ले सो IF6 और आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने एक क्या कर दिया पॉजिटिव लगा दिया, और हमने यहाँ पे देखना है जिसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सेंट्रल एटम के पास, सो वहाँ पे हम क्या करेंगे F6 लगा दिया और F6 आके एंड 2 पॉजिटिव कर देंगे अब, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल एटम के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 तो सिग्मा बॉन्ड्स बना दिए इसने बट 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गए जिसकी वजह से हमने 2 पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट अब एग्जांपल देखते हैं स्क्वेयर पिरामिडल शेप हो जहाँ पे 5 बॉन्ड पेयर के लिए 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 लोन पेयर के लिए 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और चाहिए, सो सेंट्रल एटम के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए, सो आयोडीन आ गया, ठीक है। बॉन्ड पेयर 5 है तो हमने 5 सराउंडिंग एटम लिख दिए और एक लोन पेयर आ गया, ठीक है। यहाँ पे शेप कुछ ऐसी ही रहेगी, यहाँ पे लोन पेयर आ गया, या फिर ऐसा कोई सेंट्रल एटम ढूंढो जिसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो और एक नेगेटिव चार्ज लगा दो, तो यहाँ पे भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, SF5 आ गया, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें जिसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, तो जिनोन आ गया, इसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 तो हमने क्या किया सिग्मा बॉन्ड्स बना दिए, यहाँ पे फ्लोरीन 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 एंड फ्लोरीन, ठीक है। एक हमने क्या किया लोन पेयर पर लगा दिया, अब 1 2 3 4 5 6 7 यूज़ हो गए यहाँ पे, बट इसके पास तो 8 है इसलिए हमने एक पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि
एक्स ई ओ एफ फोर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, हमने एक पाई बॉन्ड इंक्लूड कर दिया। सो ये सारे एग्जांपल्स आ गए स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री के। अब नेक्स्ट हमें स्क्वायर प्लेनर देखनी है। सो फाइव फोर बॉन्ड पेयर के लिए फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए सेंट्रल एटम के पास, टू लोन पेयर के लिए अगेन फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो टोटल हमें एट वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, एट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो हमारे पास जीनोन आ गया और बॉन्ड पेयर फोर है, मीन्स फ्लोरीन हमें फोर चाहिए होंगे यहाँ पे। या फिर ऐसा देखते हैं जिसके पास सेवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो और नेगेटिव चार्ज लगा देंगे, एफ फोर, ये एग्जाम्पल आ सकता है, ठीक है। या फिर आपके पास एक्स ई ओ फोर, फोर नेगेटिव भी एग्जाम्पल हो सकता है, ये आप खुद स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो, स्टीरिक नंबर फाइंड आउट करके देख सकते हो आप खुद से। सो हमने आज स्टीरिक नंबर सिक्स तक पढ़ लिया, बड़े सारे एग्जाम्पल्स भी कर लिए, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टीरिक नंबर सेवन और एट के बारे में पढ़ेंगे, इनएक्टिव लोन पेयर्स के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू गाइज़।